भले ही इस बार राजस्थान में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा हो, मगर फिर भी बहुत से लोगों का कहना है कि झालरापाटन में वसुंधरा राजे का ही राज रहेगा। राजे की 5 साल की कार्यशैली को भले ही लोग जम कर कोस रहे हों, लेकिन फिर भी झालरापाटन की जनता राजे को ही वोट दे सकती है। इस बार राजे के खिलाफ कांग्रेस ने मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया है, जिनकी राजपूतों में अच्छी पकड़ है, तो वहीं राजे का जाटों और राजपूतों दोनों के बीच ही अच्छा खासा वर्चस्व है। इस बार झालरापाटन में 62% वोट हुआ है, तो वहीं साल 2013 में सीट पर 79.12% वोट हुआ था। अब ऐसे में जनता ने किसके पक्ष में वोट किया है ये तो आगामी 11 दिसंबर को ही मालूम होगा, लेकिन हाँ, सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार हवा का रुख बदल सकता है। साल 2013 से लगातार राजे ही जीत दर्ज कर रही हैं सीट पर, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजे का सबसे ज़्यादा फोकस इस बार भी इसी सीट पर रहा। साल 2014 में जिस तरह मोदी लहर में बहुत से अनजान चेहरे भी जीतने में कामयाब रहे थे, तो ऐसे में हो सकता है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की बयार में मानवेंद्र सिंह जीत जाएं। वैसे उनके पिता जसवंत सिंह का सूबे में अच्छा खासा वर्चस्व रहा है, तो इसका फ़ायदा भी उन्हें मिल सकता है। लेकिन राजे को कम आंकना भी गलती होगी, क्योंकि भले ही सूबे में उनका राज खत्म हो सकता है, मगर झालरापाटन में शायद उनका राज बरकरार रह सकता है। मगर कहते हैं ना कि सब दिन होत ना एक समान, तो क्या मालूम इस बार 11 दिसंबर का दिन राजे के लिए बहुत बड़ा झटका लेकर आए। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।